नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल और आपके साथ मैं हूं रीना। हस्त रेखा शास्त्र के मुताबिक विवाह रेखा पर बने निशान इंसान के जीवन के प्रभावित करते हैं। आमतौर पर विवाह रेखा के आगे की ओर बढ़ना शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताता है। इसके अलावा यह वैवाहिक जीवन में सुखों के बारे में भी बताता है। विवाह रेखा पर बनने वाले निशान का संकेत देते हैं, इस बारे में आज हम आपको बताएंगे। हस्त रेखा शास्त्र के मुताबिक अगर विवाह रेखा पर काला धब्बा होता है तो यह अशुभ होता है। किसी भी इंसान की हथेली में विवाह रेखा पर बना यह निशान उसे लाइफ पार्टनर के सुखों से वंचित रखता है। विवाह रेखा अगर कनिष्ठा उंगली के दूसरे पोर पर जाती है तो ऐसे जातक अविवाहित ही रहते हैं। अगर विवाह रेखा पर कोई दूसरी रेखा अगर मिले या विवाह रेखा के मूल के में कोई और रेखा मिले तो शादी के बाद अन्य संबंध के कारण इंसान का शादीशुदा लाइफ बर्बाद हो जाती है। हथेली में विवाह रेखा के साथ दो या इससे अधिक रेखाएं बने तो इंसान का अन्य स्त्रियों से भी संबंध रहता है। इसके अलावा एक से अधिक विवाह भी हो सकते हैं। अगर हथेली में दो विवाह रेखाएं नजर आएं, साथ ही इसमें एक गहरी और एक स्पष्ट, जबकि दूसरी महीन और बुध प्रवर्तक जाए तो ऐसे में इंसान के लाइफ में दो शादियों का योग बनता है। अगर हथेली की विवाह रेखा टूटी या हल्की छोटी है तो ऐसे में व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत दिनों तक नहीं चल पाता। यदि चलता भी है तो शादीशुदा जिंदगी परेशानियों से भरी रहती है। वहीं अगर विवाह रेखा पर द्वीप का निशान बने तो विवाह में बिना कारण देरी होती है। वहीं अगर विवाह रेखा लालिमा लिए है तो वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।